दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय थ्री। मुझे स्टार जहाँ पे भी हमारा स्टार है जैसे ये है, यहाँ पे मैं कितना नंबर लिखूँ जिससे पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, थ्री से डिविजिबल हो जाए। तो क्या है थ्री की डिविजिबिलिटी? थ्री की डिविजिबिलिटी है जो भी हमारे पास नंबर दिए रहते हैं डिजिट से, उन सबको क्या करना प्लस करना होता। जैसे हमारा क्या डिजिट है, यहाँ पे क्या है टू है प्लस सेवन है प्लस फाइव है, इन सबको मुझे प्लस करना है। अब स्टार का तो मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन ये सारे नंबर को हमने प्लस करना। अब देखो सेवन और टू कितना होता है नाइन, नाइन और फाइव कितना होता है फोर्टीन हो रहा। अब फोर्टीन थ्री के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो थ्री के टेबल में, थ्री के टेबल में क्या आता है जैसे नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन। तो मुझे ट्वेल्व तो बन नहीं सकता, ये फोर्टीन है, तो इसको हम फिफ्टीन बना सकते। कितना बना सकते हैं? फिफ्टीन, क्योंकि थ्री के टेबल में कितना आता फिफ्टीन। अगर ये फिफ्टीन बनाए तो मुझे वन करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन। अब जब इनका ऐड करके पूरा कितना आ रहा फिफ्टीन आ रहा, तो ये थ्री से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, थ्री फाइव जब फिफ्टीन, जब ये फाइव फिफ्टीन थ्री से डिवाइड, इट मीन ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, फाइव थ्री से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन स्टार की जगह मुझे कितना लिखना वन लिखना है, कितना लिखना है स्टार की जगह वन, तो ये टू सेवन वन फाइव हो जाएगा। ओके देखो थ्री की डिजिबिलिटी है जो हमारे पास डिजिट दिए रहते हैं उनको सम करना होता है, उनका सम अगर थ्री से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, थ्री से डिवाइड हो जाता है। जैसे मैंने देखा स्टार की जगह मैंने कितना लिखा वन लिखा, अब इसको देखो थ्री और टू नाइन टेन फिफ्टीन, फिफ्टीन थ्री के टेबल में आता तो ये पूरा नंबर थ्री की थ्री से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट देखो फाइव प्लस थ्री प्लस फोर प्लस सिक्स, ये डिजिट प्लस कर दो, फाइव और थ्री एट, एट फोर ट्वेल्व और ट्वेल्व और सिक्स कितना होता 18 होता भाई 18, 18 सिक्स की ओ थ्री के टेबल में पूरा भी डिवाइड होता, थ्री थ्री से पूरा पूरा डिवाइड होता, थ्री सिक्स एटीन, ये पूरा नंबर थ्री से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा। अब हम यहाँ पे क्या लिखें भाई स्टार की जगह, स्टार की जगह हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जीरो। अब हम स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं जीरो, क्योंकि हमें कोई भी डिजिट नंबर नहीं चाहिए, कोई भी नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि इनका सम कितना रहा 18, 18 थ्री के टेबल में आता है, इट मीन ये पूरा नंबर पहले डिवाइड हो रहा है किससे थ्री से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जीरो। अब नेक्स्ट देखो सिक्स प्लस वन प्लस जीरो प्लस फाइव प्लस फोर, इनका सम देखो सेवन, सिक्स वन सेवन, सेवन और फाइव कितना होता ट्वेल्व, ट्वेल्व और फोर कितना होता सिक्सटीन, सिक्सटीन तो ट्वेल्व के टेबल थ्री के टेबल में नहीं आता, क्या आता है या तो फिफ्टीन आता है, फिफ्टीन छोटा, या फिर एटीन आता है, एटीन नियरेस्ट क्या है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे टू, तो कितना हो जा रहा है 18 हो जा रहा, ये थ्री के टेबल में आता, ये पूरा नंबर फिर किससे हो जाएगा थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन मुझे यहाँ पे स्टार है वहाँ पे कितना लिखना टू लिखना, कितना लिखना टू, तो इसमें प्लस टू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें प्लस टू, जहाँ पे स्टार है वहाँ पे मुझे कितना लिखना है टू लिखना पड़ेगा, जिससे ये नंबर कितना हो जाए 18 हो जाए, और 18 थ्री के टेबल में आता है, इट मीन ये पूरा नंबर थ्री से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ओके ऐसे आप देखो नेक्स्ट टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस वन प्लस सेवन, देखो थ्री एट टू फाइव, फाइव फोर नाइन टेन सेवनटीन, कितना हो रहा सेवनटीन, इसमें मैं वन प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा एटीन, एटीन थ्री के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, इट मीन मुझे यहाँ पे स्टार है वहाँ पे कितना लिखना वन लिखना है, कितना लिखना है वन, जहाँ पे स्टार है वन जो एटीन हो जाएगा, एटीन थ्री के टेबल में आता है, इट मीन ये पूरा नंबर किससे थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। ओके ऐसे सिक्स प्लस फाइव प्लस फाइव, देखो सिक्स और फाइव इलेवन, इलेवन और फाइव कितना होता सिक्सटीन, यहाँ भी वही, यहाँ पे भी टू करना पड़ेगा तब जाके ये एटीन हो रहा, तो इट मीन्स मुझे जहाँ पे स्टार है वहाँ पे कितना लिखना टू लिखना, क्योंकि डिजिबिलिटी क्या है इन दोनों इन सब का सम करके जब नंबर और नंबर जो आएगा वो अगर थ्री से डिविजिबल है तो पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल हो जाता है।